मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में जिस प्रकार के विचलित करने वाले दृश्य निरंतर दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को व्यथित करते हैं। हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है, ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। बंगाल की वह भूमि जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक का के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंतिम दिन तृणमूल कांग्रेस के 40,000 से अधिक लोगों ने नामांकन किया और पश्चिम बंगाल में 341 ब्लॉक हैं। 4 घंटे के अंदर यदि 40,000 से अधिक लोग नामांकन करते हैं केवल 341 ब्लॉक में, और इसमें तो अन्य भी दलों के लोगों ने नामांकन किया है, अंतिम दिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने किया है, लेफ्ट ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, हमने भी किया है। यानी औसतन एक व्यक्ति के नामांकन का समय 2 मिनट के आसपास आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से समझा जा सकता है कि सरकार और राज्य की चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में काम कर रही चुनावी मशीनरी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। यदि एक नामांकन पत्र को सरसरी नजर से भी देखना हो कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो वो 2 मिनट में नहीं देखा जा सकता। 5, 7, 8 मिनट तो आपको देखने में लगते हैं, इसके बावजूद इस गति से हुए नामांकन यह दर्शाते हैं कि सरकार किस प्रकार से व्यवस्था को हाथ में लिए है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन इंडिया, तो आई वॉन्ट टू आस्क देम ए कैटेगोरिकल क्वेश्चन दैट द लेवल ऑफ वायलेंस विच इज बीन विटनेस इन वेस्ट बंगाल, द डेमोक्रेसी इज फ्लरिशिंग और इट इज वैनिशिंग। ये लोकतंत्र का उद्भव दिख रहा है या तिरोभाव दिख रहा है? और जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया का मैंने उदाहरण बताया, क्या यह लोकतंत्र का उपहास नहीं है?